हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ क्लासेस, मोमिना मैथ क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीमान समाकलन के बारे में। हमने रीमान समाकलन के अब तक स्टूडेंट्स तीन पार्ट्स पढ़ लिए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। आज हम फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स रीमान समाकलन में, वो था हमारा थॉम्सन रबॉक सम्स। एक थ्योरम उसकी हमने पढ़ी थी 1.1, आज हमारा थ्योरम 1.2 है, जिसका स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि यदि फलन fx जो है, यदि फलन f संवृत अंतराल ab में परिभाषित परिसीमित और वास्तविक फलन है तथा विभाजन, तथा ab के विभाजन p का सो विभाजन p डैश है, तो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? ये पहले a प्रूव करना है, लोअर fp लेस देन इक्वल लोअर fp डैश। बी प्रूव करना है, अपर एफ पी डैश लेस देन इक्वल अपर एफ पी। फिर दोनों को मिला के सी प्रूव करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बन गया स्टूडेंट्स कि कोई भी फलन एफ संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित परिसीमित और वास्तविक फलन है। यहाँ पे प्रूफ देखिए स्टूडेंट सीधा, क्योंकि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित परिसीमित एवं वास्तविक फलन है, एवं वास्तविक फलन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तथा पार्टीशन ऑफ ए बी का सोद्विभाजन का मतलब है कि इसका सोद भी एग्जिस्ट है, कि अगर इसमें इसके हम 10 पार्टीशन कर रहे हैं तो इसका दूसरा एग्जिस्ट होगा जिसमें 11 पार्टीशन विद्यमान होंगी। तो पार्टीशन ऑफ एबी का सोद विभाजन पी डैश है, ठीक है स्टूडेंट्स, पी डैश है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, पहले माना कि पार्टीशन ऑफ ए बी जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, पार्टीशन ऑफ ए बी हमारे पास है ए इक्वल टू, हमने ले लिया एक्स नोट, पार्टीशन कर रहे हैं इसका एक्स नोट एक्स वन एक्स टू सोन आर माइनस वन, ये हो जाएगा हमारे पास है आर वन अंतराल आर माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा आर एक्स आर लो सो लास्ट में एक्स एन इक्वल टू बी, ये हो गया इसका पार्टीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इसका आर वन अंतराल चूज कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज यही क्वेश्चन में करना है, जो थ्योरम में करते चलेंगे वही हमें क्वेश्चन में करना है। तो थ्योरम अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई तो आपको क्वेश्चन में क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से ये इंटीग्रल रिमान इंटीग्रल वाली जो है स्टूडेंट्स वो हमारी पूरी एक यूनिट है। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चंस भी बनता है, छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, डेफिनेशंस भी आती है। तो पार्टीशन ऑफ ये, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, जैसे आई आर इक्वल टू हमारे पास एक्स आर माइनस वन और एक्स आर है स्टूडेंट्स। तब मानना आरवे अंतराल के उच्चक तथा निम्नक, उच्चक इसके उच्चक और निम्नक लेने पड़ेंगे, उच्चक तथा निम्नक कर्मशः क्या मान लिए स्टूडेंट्स, स्मॉल कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक आ गए यहाँ से। अब क्या करना है, इसका शोध विभाजन लेना है, क्योंकि इसने कहा है कि पी का जो है वो क्या, रिफाइनमेंट शोध विभाजन पी डैश एग्जिस्ट है। अब क्या मानना, पुनः मानना, क्या मानना स्टूडेंट्स, पी का शोध या रिफाइनमेंट शोध विभाजन पी डैश, दिस इम्प्लाइज पी डैश ऑफ ए बी, मतलब आरवें अंतराल का एक बार और पार्टीशन कर देते हैं, आरवें अंतराल का एक बार और क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। यहाँ पे जो आरवें अंतराल है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्टीशन ऑफ ए बी हो जाएगा, यहाँ से हमने लिया है ए इक्वल टू एक्स नोट सोन एक्स वन, आगे आया आरवें अंतराल लिया एक्स आर, और यहाँ पे लिया है एक्स आर जो है स्टूडेंट इसका हम पार्टीशन कर देते हैं, आगे दो अंतराल्स में डिवाइड कर दिया, मान लिया कि ये एक्स आर है, इसका हमने आगे पार्टीशन किया, तो यहाँ से एक्स आर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमने किया है तो यहाँ पे हमने मान लिया एक्स आर, यहाँ का पार्टीशन किया तो हमने माना कि यहाँ पे वाई आर, दो अंतराल बना लिए वाई आर और वाई आर माइनस, ये एक्स आर माइनस वन है, यहाँ पे वाई आर माइनस वन यहाँ पे पार्टीशन किया, तो यहाँ पे एक इंटरवल, यहाँ पे आप अल्फा बना लो, एक इंटरवल बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स आर माइनस वन, या फिर स्टूडेंट ऐसे ना करना चाहो तो हम आरवें अंतराल का पार्टीशन कर लेते हैं,
यहाँ पे हमारे पास आर माइनर ये वाला है एक्स आर माइनस वन, यहाँ पे हमने पार्टीशन रख लिया एक अन्य और, यहाँ पे क्या रख लिया वाई नॉट वाई वन सोन वाई आर माइनस वन वाई आर सोन वाई एन इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स एक्स आर सोन। लास्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है एक्स एन इक्वल टू बी, ये वाला पार्टीशन मान लिया कि हमने जो है इस इंटरवल के आरवें अंतराल का और पार्टीशन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुनः ये आर ये इसका क्या ले लेंगे, जैसे हमने आरवें अंतराल का पार्टीशन किया तो इसका आर अंतराल लेंगे, अब तो इसको मानेंगे आई आर डैश अंतराल ले लेंगे। तो यहां से शोध विभाजन का आप लिखेंगे शोध विभाजन का आई आर डैश अंतराल, आर अंतराल तो किसका है पार्टीशन ऑफ एफ बी का है, इसका आई आर डैश मान लिया, आई आर डैश मा अंतराल क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका अंतराल ले लेंगे हम आई आर डैश इक्वल टू वाई आर माइनस वन और वाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके उच्चक और निम्नक ले लेंगे अब, मानना इसके उच्चक तथा निम्नक, इसके उच्चक तथा निम्नक क्रमशः क्या लेंगे स्टूडेंट उच्चक और निम्नक कैपिटल एम आर डैश और स्मॉल एम आर डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए इसको, इस इंटरवल को देखिए आप, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ इसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगी, ये हमारा है पूरा इंटरवल है स्टूडेंट्स, पूरा इंटरवल ये इसका स्मॉल एम होता है ये उच्चक और निम्नक ये वाले हो गए। अब इसका पार्टीशन किया तो यहाँ पे आता है हमारा आरवां अंतराल, ये क्या है आरवां अंतराल है यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है एक्स आर और ये एक्स आर माइनस वन, तो इसके उच्चक और निम्नक स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। अब इसके अंदर ही है आई आर डैश अंतराल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई आर डैश अंतराल है तो ये वाई आर माइनस वन और ये वाला वाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके उच्चक और निम्नक हो गए एम आर डैश और एम आर कैपिटल एम आर डैश। अब यहां से कंडीशन बन जाती है जैसा थ्योरम एक पॉइंट एक में हमारी बनी थी, अब इनके आधार पर हमारी कंडीशन बन जाएगी स्टूडेंट्स, एम आर छोटा और बराबर हो सकता है अगर इस इंटरवल का पार्टीशन इसी के अंदर करते हैं पूरा, अगर ये पूरा अंतराल जो इसके बराबर है तो उस कंडीशन में बराबर हो सकते हैं उच्चक और निम्नक। तो यहां से क्या कंडीशन आएगी कि एम आर लेस देन इक्वल एम आर डैश लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम आर डैश लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम आर, बन गई स्टूडेंट्स कंडीशन ये, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण ए के प्रथम दो पदों से, तो समीकरण फर्स्ट में प्रूव करेंगे, अब ए लिखना है हमें समीकरण एक के प्रथम दो भाग है स्टूडेंट्स इसका स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल स्मॉल एम आर डैश, दोनों तरफ डेल आर का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे डेल आर स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल डेल आर स्मॉल एम आर डैश। अब समेशन लगा लेंगे समेशन आर इक्वल टू वन से एन डेल आर स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल समेशन आर इक्वल टू वन से एन डेल आर स्मॉल एम आर डैश। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बन गया, ये लोअर एफ पी की डेफिनेशन है, निम्न निमांश समाकलन है, ये वाला निम्न निमांश समाकलन होगा आरवें अंतराल का शोध विभाजन का निम्न निमांश समाकलन है, ये पार्टीशन बी का निम्न निमांश समाकलन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए निम्न निमांश समाकलन, तो ये हो गया हमारा लोअर एफ पी, ये वाला लोअर एफ पी लेस देन इक्वल ये लोअर एफ पी डैश शोध विभाजन पी डैश का निम्नक है स्टूडेंट्स ये, तो यहां से लोअर एफ पी डैश ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर टू। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया अच्छी तरह से, अब क्या लेना है बाकी के दो पार्ट्स ले लेंगे इसके, यहाँ अंतिम दो पदों से, तो अंतिम दो पदों से प्रूव करेंगे तो सेकंड पार्ट इसका प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर इनको क्या लिख लेंगे कंबाइंड रूप से लिख लेंगे, अब क्या लिखेंगे अंतिम दो पदों से बी पार्ट प्रूव कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया लोअर एफ पी लेस देन इक्वल लोअर एफ पी डैश, अंतिम दो है कैपिटल एम आर डैश लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर है स्टूडेंट्स, ये डेल आर से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे लेस देन इक्वल डेल आर एम आर, दोनों तरफ समेशन लगा लेंगे
आर इक्वल टू वन से एन डेल आर एम आर डैश लेस देन इक्वल समेशन आर इक्वल टू वन से एन डेल आर एम आर। ये वाला स्टूडेंट्स हमारा लोअर एफ अपर एफ पी की डेफिनेशन बन गई। ये शोध विभाजन पी डैश का उचक है, ये क्या है पार्टीशन पी का उचक है, तो ये बन गया अपर एफ पी डैश क्योंकि शोध विभाजन पी डैश का उचक है और ये वाला विभाजन पी का है, तो यहां से ये बन गई अपर एफ पी डैश की डेफिनेशन लेस देन इक्वल का साइन अपर एफ पी बन गया स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर बन गई ये थ्री। अब सी प्रूव करना है, सी प्रूव करेंगे तो या तो ये पूरी कंडीशन लेके आप प्रूव करो, अगर पूरी नहीं लेंगे तो समीकरण दो और तीन से, समीकरण दो तथा तीन से, दो क्या है लोअर एफ पी लेस देन इक्वल अपर एफ लोअर एफ पी डैश है स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल, या फिर ऐसे ना करना चाहो तो स्टूडेंट एक बार आप पूरी इक्वेशन लो, इसको डेल आर से मल्टीप्लीकेशन करो, समेशन लगाओ आर वन आर आर इक्वल टू वन से एन, फिर ये पूरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी प्रूव हो जाएगी। लोअर एफ पी लेस देन इक्वल लोअर एफ पी डैश अपर एफ पी डैश लेस देन इक्वल अपर एफ पी। तो ये वाला सी था स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वही मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि रिमांड समाकलन की हमारी पूरी एक यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट, अब रिमांड समाकलन के नेक्स्ट चैप्टर में हम थ्योरम नंबर 1.3 पर डिस्कशन करेंगे, वहां पे हमें दो पार्टीशन P1 और P' दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रिमांड समाकलन के चार हमारे लेक्चर हो गए, चारों लेक्चर आपको कवर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।